अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बड़े ही चटपटे से, बड़े ही करारे से चिकन कॉर्न पकोड़ा। जी हाँ, पकोड़ा, वो भी चिकन का। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज। तो चलिए झटपट से बनाते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं रेडी हूँ 200 ग्राम चिकन, और चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। हम मिला देंगे तकरीबन एक कप कॉर्न मिला रही हूँ मैं। तो ये एक कुछ इसमें मसाले मिलाएंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पकौड़ों को चटपटा करने के लिए हम मिला देंगे इसमें हरी मिर्ची। आप चाहे तो हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दें। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को दरदरा सा पीस ली थी, तो ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हरी मिर्चें हैं। इसके साथ ही मिलाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप कुटी हुई मिर्चें भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें कुटी हुई, 1 अंडे की सफेदी। अंडे की जर्दी नहीं डालेंगे, अगर आप अंडे की जर्दी डालोगे तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं होंगे। उसके साथ ही इसमें मिला देंगे हरा धनिया, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 कप मैदा, 1/4 कप यानी 1/4 कप यानी तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो इसके अंदर राइस फ्लावर भी मिला सकते हैं। अब पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, और इन तमाम चीजों को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका बिल्कुल जो पकौड़ों का बैटर होता है बस उस तरह बन जाए। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी मिला दिया। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो गया। तो बस अब थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेते जाएंगे और इसे गरम गरम तेल में हम छोड़ेंगे। इस तरह से हम पकौड़े फटाफट से उसमें डालते जाएंगे, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तेज फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये बाहर से झटपट से लाल हो जाएंगे और अंदर से जो चिकन उनका कच्चा रहेगा। तो बस फ्लेम को मैंने मीडियम रखी हुई, मीडियम फ्लेम पे से हमें करना है। इन पकौड़ों को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इन पे हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, तो बस अब इसे अलट पलट कर देंगे। ये देखिए, चार से पांच मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, इन पे कलर आना शुरू हो गया है, बस थोड़े से और क्रिस्पी होंगे तो उसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पकौड़ा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा उसका कलर आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गए। अब तक चिकन भी हमारी अच्छे से कुक हो गई होगी, तो चलिए इसे निकालते हैं। कितने बेहतरीन से हैं, चलिए चिकन पकौड़ा। देखिए कैसे मजे की हमारे चिकन पकोड़ा तैयार है, और देखिए से तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से चिकन बिल्कुल परफेक्ट कुक है, बहुत ही मजे के है। तो भाई, मैं तो इस पकोड़ों को खूब एंजॉय कर रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह।